स्वागत सल्यूट गाइस, क्या हालचाल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपको तो याद ही है, पिछले पार्ट में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था चैप्टर का, और आज के पार्ट की शुरुआत करेंगे हम टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पे। अब कुछ कॉमन लग रहा है, पहले हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखो कितना आसान कर दिया हमने आपके लिए। अब आ गए टेम्परेट एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपको समझ में आ गया, लेकिन अब कौन से रीजन में है? टेम्परेट रीजन में। ये मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स में पाए जाते हैं, और इनकी खासियत ये होती है कि ये जनरली कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब सी के पास वाले रीजन्स। मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स की जो ईस्टर्न मार्जिन होते हैं, जो ईस्ट पे एरियाज होते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पे आपको मिलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राजील में। और इनकी एक और खास बात ये होती है कि यहाँ पे आपको मिलेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। अभी तक ट्रॉपिकल रीजन में हमने क्या डिस्कस किया था? सिर्फ हार्डवुड ट्रीज थे, चाहे वो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो या डेसिडुअस। जैसे ही हम टेम्परेट एवरग्रीन पे आए, यहाँ पे हार्डवुड के साथ साथ सॉफ्ट वुड ट्रीज भी मिलने लग गए। तो ये बात आपको याद रखनी है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जनरली ओक, पाइन, यूकलिप्टस, इस तरह के ट्रीज मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, है ना। टेम्परेट एरियाज में है और डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मतलब सीजनल चेंज होता है और पेड़ अपनी पत्तियां शेड करते हैं। ये फिर से कौन सी रीजन में हुआ? जहाँ पे उतनी गर्मी और उतनी बारिश नहीं हो रही। जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड की तरफ जाओगे, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएंगे। ये जनरली पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिले में। ये वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं। तो टेम्परेट फॉरेस्ट की दोनों चीजों में एक कॉमन चीज देखी आपने, ये कोस्टल एरियाज के आसपास पाए जा रहे हैं। डेसिडुअस का मतलब आपको मालूम है, ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। और कॉमन ट्रीज जो यहाँ पाए जाते हैं वो है ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो होते हैं डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, इस तरह के एनिमल्स यहाँ कॉमन है। और बर्ड्स भी बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे कि फेजेंट्स और मोनार्क्स। तो अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो सबसे हॉट एंड हैवी रेनफॉल वाले रीजन्स में हमने देखे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद जहाँ थोड़ी कम बारिश हुई और थोड़ी कम गर्मी हुई, वहां हमने देखे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर टेम्परेट रीजन में आ गए, जहाँ पे गर्मी और कम होती है। तो टेम्परेट रीजन में जहाँ पे कंपेरेटिवली अच्छी खासी बारिश और गर्मी होती है, वहां पे हो गए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। और फिर वहां पे भी जहाँ बारिश कम होती है और गर्मी और कम होती है, वहां हमने देखे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अभी तक हमने एक पैटर्न फॉलो किया विच मेड इट वेरी इजी फॉर अस। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी है। कुछ लोग होते हैं जो पैटर्न नहीं फॉलो करते। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी उन्हीं लोगों में से आती है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। जहाँ पे ऊपर वाले चारों नहीं फिट हो रहे, वहां पे ये पांचवी वाली फिट होती है। ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करिए, इसलिए आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट थे वो जनरली ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन पे थे कॉन्टिनेंट, है ना। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो होती है, ये जनरली वेस्टर्न या साउथ वेस्टर्न रीजन पे पाई जाती है। तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन जो होते हैं, जो भी साइड वाले एरियाज होते हैं, उनके वेस्ट वाले रीजन में और साउथ वेस्ट वाले रीजन में आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, मेडिटेरेनियन सी का नाम सुना होगा आपने, है ना, मैप में दिख रही है आपको। इस सी के अराउंड यूरोप है, अफ्रीका है और एशिया है। तो इस सी के अराउंड जो रीजन्स हैं यूरोप, अफ्रीका और एशिया के, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन दिखती है। अब आपको नाम समझ में आया कि ये नाम कहाँ से आया, क्योंकि ये वेजिटेशन जनरली मेडिटेरेनियन सी के आसपास दिखती है, तो वहीं से इसका नाम आ गया। लेकिन ये कुछ और जगह भी पाई जाती है, जैसे कि यूएसए में कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा आपने। कैलिफोर्निया में जो वेजिटेशन है वो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। साउथ वेस्ट अफ्रीका में, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इन सारी जगहों पे आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन दिखाई पड़ती है। इन रीजन्स में बहुत ज्यादा हॉट ड्राई समर्स होती है, मतलब बारिश नहीं होती लेकिन गर्मी अच्छी खासी होती है, और माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं, मतलब विंटर भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है और बारिश भी हल्की ही होती है, क्योंकि माइल्ड वर्ड यूज किया गया है। तो आपको भी मालूम है, जहाँ पे बारिश कम हो जाती है और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ क्या होने लगता है? पेड़ कम होने लगते हैं, वेजिटेशन कम होने लगती है, जैसे कि डेजर्ट्स में, है ना। तो इसीलिए मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है, ये अभी तक हमने जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़े उनसे डिफरेंट होती है। इन रीजन में जनरली सिट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन नहीं था। ये जो सिट्रस फ्रूट्स यहाँ उगाए जा रहे हैं, दिस डज नॉट कम अंडर नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन हुआ क्या, वही ह्यूमंस ने इंटरफेयर किया, जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन थी उन सबको हटा दिया और उसकी जगह मैक्सिमम सिट्रस फ्रूट्स के पेड़ लगा दिए। तो धीरे धीरे ओवर द इयर्स ये सिट्रस फ्रूट्स ही यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन बन गए। यहाँ पे ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी नहीं पाई जाती।
जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, मेडिटेरेनियन रीजन जो होते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बारिश कम ही होती है। तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं, एक तो हमने डिस्कस किया था पेड़ कैसे अडेप्ट करते हैं, वो अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे ईयर में ही ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, पत्तियां शेड तो तब करते हैं जब ड्राई मौसम आता है। लेकिन अगर पूरे साल ही बारिश नहीं हो रही है ज्यादा, तो क्या पूरे साल ही पत्तियां शेड कर देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, पेड़ों को सर्वाइव भी करना है। तो जो मेडिटेरेनियन रीजन्स के जो पेड़ होते हैं उनमें कुछ खासियत होती है, इनकी जो बार्क होती है, जो डंडियां होती है, स्टेम्स होती है, वो बहुत मोटी होती है और इनकी पत्तियों पे एक तरह की वैक्सी कोटिंग जैसी होती है जो पानी के ट्रांसपिरेशन को कम करे। जब पानी ज्यादा इवेपोरेट ही नहीं करेगा तो पेड़ पानी कंजर्व कर लेगा। तो इस तरह से मेडिटेरेनियन रीजन्स के जो पेड़ हैं उन्होंने खुद को अडेप्ट किया हुआ था। और आपको मालूम है इन्हीं पेड़ों की वजह से जो मेडिटेरेनियन रीजन्स होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना सारा फ्रूट कल्टीवेट होता है, तो ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के ऑर्चर्ड्स यही हैं, यहीं से सबसे ज्यादा फ्रूट आ रहा है। लास्ट जो कैटेगरी है हमारे फॉरेस्ट्स की वो है कोनिफरस फॉरेस्ट्स। ठीक है, अभी तक हमने ट्रॉपिकल रीजन कवर कर लिया, टेम्परेट कवर कर लिया, लास्ट में कौन सा बचा? पोलर रीजन। जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड्स में जाएंगे, मतलब 50 डिग्री से लेके 70 डिग्री तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के स्पेशली, तो यहाँ पे आपको खूबसूरत कोनिफरस फॉरेस्ट देखने मिलेंगे। इनको टाइगा भी कहा जाता है। टाइगा जो वर्ड है ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है प्योर या अनटच्ड, जिसको छुआ ना गया हो, जो एकदम प्योर। इसी तरह के जो कोनिफरस फॉरेस्ट हैं वो आपको हायर लैटिट्यूड्स में, मतलब बहुत ठंडी जगहों पे मिलते हैं। ये लंबे पेड़ होते हैं, सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, पहली बात ये लंबे पेड़ होते हैं, दे आर टॉल, दे आर सॉफ्ट वुड, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ट्रॉपिकल रीजन में चाहे वो एवरग्रीन हो चाहे वो डेसिड्यूस फॉरेस्ट हो, दोनों में क्या मिल रहे थे हमें? हार्डवुड ट्रीज। जैसे ही हम टेम्परेट में आए हमें हार्डवुड और सॉफ्टवुड दोनों मिलने लगते हैं। तो अब यहाँ पे हमको कौन से ट्रीज मिल रहे हैं? सॉफ्टवुड ट्रीज। ठीक है, सॉफ्टवुड ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं पल्प बनाने के लिए, मतलब जिससे पेपर बनता है या जिसको न्यूज़पेपर प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, मैच बॉक्सेस बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्सेस बनाने के लिए आपको सॉफ्टवुड ट्रीज की जरूरत पड़ती है। चेयर, पाइन, सिडार, इस तरह के जो ट्रीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोनिफरस फॉरेस्ट की। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसमें आते हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ये यहाँ कॉमन है जो स्पेशली ठंडे रीजन में पाए जाते हैं। इसी के साथ हमने फॉरेस्ट्स को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन क्या था? ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जितने फॉरेस्ट होते हैं। ग्रासलैंड्स में मेनली ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल आपको फिर से नाम से ही समझ में आ रहा होगा, तो इतना समझ ही लिया हमने कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स वो होते हैं जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, अप टिल द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक पाए जाते हैं। ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश या तो मॉडरेट होती है या बहुत ही कम होती है। यहाँ पे जनरली ज्यादा पेड़ नहीं सर्वाइव कर पाते, पर ग्रास बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। इनफैक्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की जो ग्रास होती है वो काफी बार बहुत ऊंची ऊंची हो सकती है, कैन बी वेरी टॉल, इनफैक्ट 3 to 4 meters इन हाइट, इतनी लंबी हो सकती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सवाना ग्रासलैंड्स जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगर आपने कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो लायंस के ऊपर, अफ्रीकन लायंस के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर, तो आपने देखा होगा वहाँ इस तरह के आपको लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, इस तरह के ग्रासलैंड्स दिखेंगे, उनको सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है। और इस एरिया में एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर्स, लेपर्ड्स, ये सब कॉमन होते हैं। इसी तरह से हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आएंगे तो मुझे लोकेशन बताने की तो जरूरत नहीं है, आपको मालूम है ये टेम्परेट रीजन्स में लोकेटेड होते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में, जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं। और इनकी दूसरी खासियत होती है ये जनरली कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में पाए जाते हैं। जैसे हमने टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात करी थी कि वो जनरली कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन पे मिलते हैं, आउटर एरियाज में मिलते हैं, लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में मिलते हैं। टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रॉपिकल में हमने बात करी थी कि ग्रास जो होती है बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड की जो ग्रास होती है वो जनरली काफी छोटी होती है, शॉर्ट होती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है, मतलब एनिमल्स को खूब सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वाइल्ड बफलोस, बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये सब टेम्परेट रीजन में कॉमनली पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रासलैंड्स जो होते हैं ना, क्योंकि वो इतनी सारी जगह मिलते हैं, ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, और हर कॉन्टिनेंट में उनका एक डिफरेंट नाम होता है, उनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है और ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो ईस्ट अफ्रीका में उसको सवाना कहते हैं, ये तो हमने बात कर ली। ब्राजील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को कहा जाता है कैंपोस, और वेनेजुएला में इनको कहा जाता है यानोस, डबल एल है लेकिन हम उसको बोलेंगे यानोस। ठीक है, इसी तरह से हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आते हैं तो अर्जेंटीना में टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोला जाता है पैम्पास, नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है प्रेरी,
साउथ अफ्रीका में बोला जाता है वेल्ट, सेंट्रल एशिया में बोला जाता है स्टेप और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है डाउन। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इनके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस हैं। लास्ट हमारे पास क्या बचा, हॉर्नी बुशेस, स्क्रब्स, जिस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, जैसे कि डेजर्ट रीजन्स, वहां पे आपको मिलेंगे थॉर्नी बुशेस। वहां पे पेड़ तो सर्वाइव कर नहीं पाते क्योंकि पानी नहीं मिलता ढंग से। तो जितने भी ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं वो जनरली कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे लोकेटेड है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डेजर्ट्स आपको किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बारिश के डायरेक्शन की वजह से होता है ना, जो विंड्स बारिश लेके आती हैं। काफी बार ऐसा होता है कि जो वेस्टर्न एरियाज होते हैं वो लीवर्ड साइड पे आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं मिलती, तो जनरली वहाँ पे ऑब्वियसली डेजर्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे एरियाज में वेजिटेशन काफी कम होती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और बहुत कम रेनफॉल होती है, इतना तो आपको मालूम ही है। अच्छा, अब फाइनली हमने पूरा अर्थ कवर कर लिया, हर तरह की वेजिटेशन के बारे में बात कर ली, लेकिन एकदम एक्सट्रीम पोलर रीजन, मतलब 70 डिग्री से 90 डिग्री, क्योंकि हमने बात करी थी कोनिफरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, है ना। तो 70 डिग्री से 90 डिग्री जो फाइनल नॉर्थ पोल और साउथ पोल रीजन होते हैं, वहां पे कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, ये तो हमने बात ही नहीं करी, चलिए अभी कर लेते हैं। ये है पोलर रीजन्स, है ना, यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है और इसीलिए यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत कम होती है। यहाँ पे जनरली सिर्फ मॉसेस मिलते हैं, लिचन्स मिलते हैं और बहुत छोटे श्रब्स मिलते हैं, यहाँ पे और कुछ सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और ये मॉसेस, लिचन्स और श्रब्स भी तब निकलते हैं जब वहाँ पे बहुत ही छोटा समर टाइम आता है ना, सिर्फ तभी आपको ये थोड़ी बहुत वेजिटेशन दिखेगी, विंटर्स में वो भी नहीं दिखती। इस तरह की वेजिटेशन को कहा जाता है टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ये आपको मिलेगी पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ के एनिमल्स का बहुत ही मोटा फर होता है और बहुत ही मोटी स्किन होती है, क्यों, ऑब्वियसली उनको कोल्ड से बचाने के लिए, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। यहाँ पे आपको सील्स मिलेंगे, वॉलरसेस मिलेंगे, मस्क ऑक्सन मिलेंगे, आर्कटिक आउल्स, पोलर बेयर्स, स्नो फॉक्सेस, इस तरह के बहुत सारे बहुत क्यूट एनिमल्स मिलते हैं। डेंजरस भी होते हैं लेकिन बहुत ही क्यूट होते हैं दिखने में। तो इस तरह से हमने सारे वेजिटेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी भी डिस्कस नहीं किया हमने, एंड दैट इज कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट्स। आपको लगता होगा यार क्या हर चैप्टर में वही एनवायरनमेंट का हम लोग घुसेड़ देते हैं कि पेड़ मत काटो, पोल्यूशन मत करो, लेकिन इसकी वैल्यू अब हमें समझनी है, स्पेशली इस टाइम के अराउंड जब आपने देखा कि वर्ल्ड ने इतना बड़ा पैंडेमिक हैंडल किया, वो क्यों किया यार, दी अर्थ इज ट्राइंग टू टेल यू दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, चीजें अच्छी नहीं चल रही, हमें सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो सोचने वाली बात है कि सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ जाएगी, एनिमल्स कहाँ जाएंगे, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो हमारे अर्थ की फ्लोरा एंड फौना है, जो डाइवर्सिटी है, हर एनिमल, हर स्पीशीज कोई ना कोई काम कर रही है हमारे इकोसिस्टम में, और अगर वो सब खत्म हो जाएंगे तो हमारा क्या अंजाम होगा, ये आप सोच सकते हो। क्या इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स, ये सब हमें मिल पाएंगे अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ह्यूमंस हम अपने पार्ट पे जो थोड़ी बहुत चीजें हो सके वो हम करें, जिससे पोल्यूशन कम हो, पानी वेस्ट ना करें, बिल्कुल वेस्ट ना करें, जहाँ हो सके पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, ज्यादा पेट्रोल डीजल ये सब ना खर्च करें, वैसे भी दाम बहुत ज्यादा है तो अच्छा है, पैसे बचेंगे। एनिमल्स को हर्ट ना करें, हो सके तो पेड़ लगाएं, और जब इतने अच्छे अच्छे काम कर ही रहे हैं तो कीप इट सिंपल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए, सबके ही मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सो दैट वी नो कि हाँ हमारी मेहनत को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तभी तो हम और वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय बाय।